तो दोस्त दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आए। तो चैप्टर हमारा दोस्त एल्डिहाइड और कीटोन। तो आज हम लोग अमोनिया डेरिवेटिव का नेक्स्ट एग्जांपल 4 नंबर पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त आज फुल एचडी में रिएक्शन विद टू फोर डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग दोस्त हाइड्रोजन का फॉर्मूला लिखेंगे। हाइड्रोजन का फॉर्मूला हो गया हमारा NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 ये हो गया हमारा दोस्त हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में फिनाइल ग्रुप को लगाना है, यहां से एक हाइड्रोजन को हटाएं और यहां पर फिनाइल ग्रुप लगा दी। योग्य हमारा दोस्त फिनाइल ग्रुप मतलब बेंजीन के रिंग से एक हाइड्रोजन को निकालते तो फिनाइल ग्रुप प्राप्त होता है, तो उसी फिनाइल ग्रुप को लगा दिए। अब बोलता है 2 और 4 नंबर पर 2 नाइट्रो ग्रुप लगाइए। देखिए दोस्त योग्य मेरा 1 नंबर, योग्य 2 नंबर, योग्य 4 नंबर। तो 2 नंबर और 4 नंबर पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिए, योग्य 1 नाइट्रो ग्रुप, योग्य 2 नाइट्रो ग्रुप। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजिन। यहां पर प्रोडक्ट के रूप में दोस्त 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन आर फॉर्म्ड। तो जब एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन दोस्त 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन बनता है। हम लोग दोस्त केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त एग्जांपल के रूप में एल्डिहाइड लेंगे। सबसे पहले बनाएंगे हम लोग कार्बोनिल ग्रुप। योग्य मेरा दोस्त कार्बो का मतलब कार्बन और नील का मतलब 0। तो कार्बन के पास मैक्सिमम 4 बॉन्ड होता, 2 बॉन्ड है, यहाँ पर 2 खाली बॉन्ड दे दिए। और दोनों खाली बॉन्ड में अगर एक खाली बॉन्ड में हाइड्रोजन लग जाए तो ये बन गया मेरा दोस्त एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप CHO। और दूसरा खाली बॉन्ड में मिथाइल ग्रुप लगा दिए तो 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को कॉमन नेम में एसिड बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए CHO फंक्शनल ग्रुप है तो CHO फंक्शनल ग्रुप को एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए एल्डिहाइड, तो 2 कार्बन के एल्डिहाइड को एसिटल डिहाइड बोलते हैं। अब एसिटल डिहाइड का रिएक्शन 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ करेंगे। तो इस नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन लिख दिए और नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है तो यहां पर 2 हाइड्रोजन दिखा दी। आगे बढ़े सिंगल बॉन्ड और NH था, यहां पर सिंगल बॉन्ड और NH दिखा दी। फिर आगे बढ़े बेंजीन का रिंग मिला तो यहां पर बेंजीन का रिंग बना दी। 2 नंबर पर नाइट्रो है, 4 नंबर पर नाइट्रो है तो यहां पर भी 2 नंबर पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिए, 4 नंबर पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिए। और कैटलिस्ट के रूप में एसिडिक मीडियम ले रहे हैं। अब देखिए दोस्त जब सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डालते हैं तो वह टूटकर H+ देता है, तो टूटकर H+ दे दिया। सल्फ्यूरिक एसिड हमारा दोस्त डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, एक ऐसा एजेंट जो बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालता हो, वही हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहलाता है। अब देखिए दोस्त नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है तो नाइट्रोजन हमारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और जब कभी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास हाइड्रोजन रखा हुआ हो तो ऐसे हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। और एसिडिक हाइड्रोजन दोस्त रिएक्शन में फास्टली पार्टिसिपेट करता है। तो 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पसंद है। तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन को दिल बनाते हुए बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल बना दिया, यहां पर लिख दिए दोस्त रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल।
अब देखिए दोस्त, ये हो गया मेरा हाइड्राजीन, ये हो गया मेरा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया हमारा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। अब नंबर नंबर आओ, नंबर अल्फाबेट दूर हटो, तो यहां पर CH3 था तो यहां पर लिख दिए CH3। सिंगल बॉन्ड और कार्बन था तो सिंगल बॉन्ड और कार्बन लिख दिए। कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है तो कार्बन के पास एक हाइड्रोजन दे दिए। फिर यहां पर डबल बॉन्ड था तो यहां पर लिख दिए डबल बॉन्ड। फिर आगे बढ़े, नाइट्रोजन मिला तो यहां पर नाइट्रोजन लिख दिए। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड दे दिए। NH था तो यहां पर NH लिख दिए। फिर बेंजीन का रिंग था तो यहां पर बेंजीन का रिंग बना दिए। और यहां पर 2 नंबर पर नाइट्रो और 4 नंबर पर नाइट्रो है, योग्य 1 नंबर 2 नंबर, तो 2 पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिए। 3 नंबर 4 नंबर, 4 पर भी नाइट्रो ग्रुप लगा दिए। अब देखिए दोस्त, ये हमारा एसिटल डिहाइड है तो हम लोग सबसे पहले यहां लिख दिए एसिटल डिहाइड। अब फिर आगे बढ़े तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल मिला, यहां पर लिख दिए दोस्त 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल। अब देखिए दोस्त, यहां पर हाइड्राजीन है तो जीन बदल जाता है जोन में और जोन बनेगा डोन, तो हाइड्राजीन बनेगा हाइड्राजोन। यहां पर लिख दिए हाइड्राजोन। तो जब एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ करते हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिटल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल बनता है। अब लोग दोस्त इसका लैंग्वेज बोलेंगे, तो लैंग्वेज हमारा दोस्त, व्हेन एसिटल्डिहाइड इज रिएक्टेड विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, देन एसिटल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन आर फॉर्म्ड। हम दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारा है कीटोन का रिएक्शन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ करेंगे। सबसे पहले हम दोस्त कार्बोनिल ग्रुप बनाएंगे, ये हो गया मेरा कार्बोनिल ग्रुप, और कार्बोनिल ग्रुप में रहने वाले कार्बन के पास 2 खाली बॉन्ड होता है तो 2 खाली बॉन्ड दे दिए। अगर दोनों खाली बॉन्ड में, किसी भी खाली बॉन्ड में अगर मिथाइल ग्रुप लग जाता हो तो ये हमारा बन जाएगा दोस्त कीटोन, और अगर दूसरा खाली बॉन्ड में भी मिथाइल ग्रुप लगा दिए तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन के कीटोन को एसीटोन बोलते हैं। यहां पर लिख दिए एसीटोन। रिएजेंट हमारा दोस्त NH2, यहां पर नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, यहां 2 हाइड्रोजन दिखा दिए। आगे बढ़े, सिंगल बॉन्ड और NH मिला, यहां सिंगल बॉन्ड और NH लिख दिए। फिर बेंजीन का रिंग मिला, यहां पर बेंजीन का रिंग बना दिए। 2 पर नाइट्रो, 4 पर नाइट्रो है, 2 पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिए और 4 नंबर पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिए। और ये हो गया हमारा दोस्त कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड को लिए। तो देखिए दोस्त, जब सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डालते हैं तो वह पानी पानी हो जाता, मतलब टूटकर H+ देता है। जो टूटकर H+ देता हो और वह हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, चाहे कोई भी एसिड हो सकता है लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। अब देखिए दोस्त, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका काम है वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालना। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पसंद है, तो 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को
दिल बनाते हुए बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल बना देता है। यहां पर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल बन गया। अब देखिए दोस्त, इस कंपाउंड का नाम हो गया 2,4-dinitrophenylhydrazine। नंबर है, आओ नंबर अल्फाबेट दूर हटो, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 2,4-dinitrophenylhydrazine। तो बाय प्रोडक्ट में तो वाटर निकल गया। अब यहां पर CH3 था तो यहां पर लिख दिए CH3। यहां सिंगल बॉन्ड और कार्बन है, यहां पर लिख दिए सिंगल बॉन्ड और कार्बन। कार्बन पर झूला हुआ है CH3, तो कार्बन पर झूला दिए CH3 ग्रुप को। फिर आगे बढ़े, डबल बॉन्ड था तो यहां पर लिख दिए डबल बॉन्ड। फिर आगे बढ़े, नाइट्रोजन मिला तो यहां पर लिख दिए नाइट्रोजन को। फिर आगे बढ़े, सिंगल बॉन्ड और NH मिला तो यहां पर लिख दिए सिंगल बॉन्ड और NH। और NH पर है बेंजीन का रिंग, तो यहां पर NH पर बेंजीन का रिंग लगा दिए। दो नंबर पर नाइट्रो है, चार नंबर पर नाइट्रो है, तो यहां पर दो नंबर पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिए और चार नंबर पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिए। अब देखिए दोस्त, यहां एसीटोन है तो यहां हम लोग सबसे पहले एसीटोन लिख दिए। अब यहां पर 2,4-dinitro है, यहां पर भी हम लोग लिख देंगे दोस्त 2,4-dinitro। अब देखिए दोस्त, 2,4-dinitro हो गया, यहां फिनाइल है तो यहां पर लिख दिए फिनाइल। अब देखिए दोस्त, ये हमारा हाइड्राजीन है तो जीन बदल जाता है जोन में, तो जोन बनेगा डोन, तो हाइड्राजीन बनेगा हाइड्रा जोन। यहां पर लिख दिए दोस्त हाइड्रा जोन। अब देखिए दोस्त, ये अल्फाबेट, ये नंबर, ये बॉयज ये गर्ल्स, तो दूर हटो, नंबर आओ, नंबर अल्फाबेट दूर हटो। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया दोस्त एसीटोन 2,4-dinitrophenylhydrazone। तो जब एसीटोन का रिएक्शन 2,4-dinitrophenylhydrazine के साथ करते हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसीटोन 2,4-dinitrophenylhydrazone बनता है। अब इसका लैंग्वेज हो गया दोस्त, वेन एसीटोन इज रिएक्टेड विथ 2,4-dinitrophenylhydrazine इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, देन एसीटोन 2,4-dinitrophenylhydrazone आर फॉर्म्ड। तो इस तरह दोस्त फुल एचडी में रिएक्शन भी 2,4-dinitrophenylhydrazine खत्म हुआ। तो दोस्त, काश दो दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता इसमें तो तकलीफ ना होती हिमांशु कुमार को जीने में। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का, जुबा पे ख्याल रखना।